हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स मार्टी क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसवीटी और एक्यू के हॉलीडे लिस्ट के बारे में, यानी कि पॉलिटेक्निक और बीटेक के हॉलीडे लिस्ट 2023 के बारे में जानने वाले हैं कि 2023 में कितने दिन आपके कॉलेजों में छुट्टी रहने वाला है, कितना दिन आपका एग्जाम होगा और कितना दिन आपका पढ़ाई चलने वाला है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं राज्य अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय यानी बीटेक कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान, राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्र छात्राएं हेतु वर्ष 2023 के लिए अवकाश तालिका, यानी कि सभी बीटेक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और जो वुमेन्स आईटीआई है उनके हॉलीडे लिस्ट के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे ईयर देख सकते हैं 2023। तो चलिए आगे देख लेते हैं। टिप्पणी यहाँ पे लिखा हुआ है, चांद के दृष्टि गोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में तत्संबंधी सरकारी आदेशानुसार परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, ईद, बकरीद ये सब चांद देख के होता है, चांद के फेज के अनुसार ये पर्व मनाए जाते हैं। तो मे बी यहाँ पे जो आपको डेट दिया हुआ है ये चेंजेज हो सकते हैं, ये मुस्लिम त्योहारों की बात यहाँ पे की गई है। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि कब से आपका हॉलीडे स्टार्ट है और किस किस डेट में हॉलीडे है, किस मंथ में कितना हॉलीडे है, ये सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आपको पता है 1 जनवरी को छुट्टी रहती ही है, तो 1 जनवरी को आपके कॉलेज में छुट्टी रहने वाला है, हालांकि ये तो रविवार है। अगला छुट्टी आपका जनवरी मंथ में होने वाला है 15 जनवरी को, जो कि मिलेगा आपको मकर संक्रांति का, ये भी रविवार का दिन है, तो इसमें भी यहाँ पे अवकाश 0 माना गया है। गणतंत्र दिवस अगला छुट्टी आपका होने वाला है 26 जनवरी को, जो कि गुरुवार थर्सडे को होने वाला है, तो एक दिन इसमें आपको छुट्टी मिलेगा। नेक्स्ट है सरस्वती पूजा, ये भी 26 जनवरी को है, तो दोनों एक ही दिन है इसलिए यहाँ पे एक ही दिन माना गया है, ठीक है। अगला हॉलीडे आपका संत रविदास जयंती, जो कि 5 फरवरी को होने वाला है, जो कि फरवरी मंथ का पहला छुट्टी होने वाला है, जो कि रविवार को है इसलिए यहाँ पे छुट्टी कुल अवकाश में 0 माना गया है। नेक्स्ट हॉलीडे आपका होने वाला है महाशिवरात्रि, जो कि 18 फरवरी को है, दिन आपका शनिवार, एक दिन की छुट्टी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, फरवरी मंथ खत्म। नेक्स्ट आपका मार्च की बात कर ले, होली एवं शबे बारात, जो कि 6 से 11 मार्च तक होने वाला है, सोमवार से शनिवार तक, 6 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी इस त्योहार के मौके पर। अगला छुट्टी आपको 22 मार्च को मिलने वाला है, मार्च मंथ में, जो कि बुधवार होने वाला है, और एक दिन की छुट्टी आपको इसमें भी मिलेगी। अगर मार्च मंथ की अगली छुट्टी की बात करें तो सम्राट अशोक अष्टमी, जो कि 29 मार्च को होगा, दिन आपका है बुधवार, एक दिन का छुट्टी आपको इसमें मिलने वाला है। लास्ट मार्च की छुट्टी है रामनवमी की, जो कि 30 मार्च को है, गुरुवार दिन, एक दिन की छुट्टी आपको इसमें भी मिलने वाला है। मार्च मंथ आपका खत्म। नेक्स्ट आपका अप्रैल मंथ की पहली छुट्टी की बात करें तो महावीर जयंती, जो कि 4 अप्रैल को है, दिन मंगलवार, एक दिन की छुट्टी आपको इसमें दिया जाएगा। अगला छुट्टी अप्रैल मंथ का होने वाला है 7 अप्रैल को, जो कि दिन शुक्रवार है, एक दिन की छुट्टी आपको इस फेस्टिवल में भी मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, जो कि 14 अप्रैल को है, दिन शुक्रवार, एक दिन की छुट्टी आपको इसमें भी दिया जाएगा। अगला है ईद, जो कि 22 अप्रैल को, दिन शनिवार, एक दिन की छुट्टी आपको इसमें भी मिलेगी, ठीक है। ये जो 22 अप्रैल है, मे बी ये दिन आगे पीछे हो सकता है, जो कि आगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगला है वीर कुंवर सिंह जयंती, जो कि 23 अप्रैल को है, दिन रविवार, तो रविवार का दिन है इसलिए यहाँ पे अवकाश 0 माना गया है। अगला है जानकी नवमी, जो कि अप्रैल मंथ का लास्ट छुट्टी होने वाला है आपका, जो कि है 29 अप्रैल, दिन शनिवार, एक दिन की छुट्टी आपको इसमें दिया जाएगा। ये बात होगी अप्रैल मंथ की। अब बात करते हैं मई की। मई में बस आपको 2 छुट्टी मिलने वाला है, एक आपको मई दिवस, जो कि श्रम दिवस भी लेबर डे बोला जाता है, 1 मई को है, दिन सोमवार, एक दिन की छुट्टी आपको इसमें दिया जाएगा। अगला है बुद्ध पूर्णिमा, जो कि 5 मई को है, दिन शुक्रवार, एक दिन छुट्टी आपको इसमें भी दिया जाएगा। सबसे लंबा छुट्टी जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा जून में, पूरा जून आपका छुट्टी ही है।
ठीक है, जो कि गर्मी की छुट्टी है, कबीर जयंती है, बकरी ईद है, ये सारी मिला के टोटल आपको 26 दिन होते हैं, बीच में 4 संडे भी है, तो टोटल हो गए 30 दिन की छुट्टी आपको इस मंथ में मिलेगा, यानी पूरा जून आपका छुट्टी रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जून से 30 जून, 26 दिन का आपका अवकाश है, 4 दिन आपका संडे होने वाला है, 24 + 4 = 30, यानी पूरा मंथ आपका छुट्टी है। जुलाई मंथ की बात कर ले, जुलाई में मात्र एक छुट्टी आपका होगा मोहर्रम का, जो कि 29 जुलाई को है, दिन शनिवार, एक दिन छुट्टी आपको मिलेगी इस मंथ में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, जो कि 15 अगस्त को होता है, दिन मंगलवार, एक दिन छुट्टी आपको इसमें भी मिलेगा। बात कर ले अगस्त मंथ की लास्ट छुट्टी की, तो वो है रक्षाबंधन, जो कि 30 अगस्त को है, दिन बुधवार, एक दिन छुट्टी आपको इसमें दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सितंबर मंथ, इसमें आपको दो छुट्टी मिलने वाला है, एक तो मिलेगा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे, दूसरा आपको मिलेगा हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस या ईद मिलाद, ठीक है, जो कि 28 सितंबर को है, तो दोनों दिन आपको एक एक दिन का छुट्टी मिलने वाला है, यानी कि दोनों पर्व में आपको एक एक दिन का छुट्टी मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर ले अक्टूबर मंथ की, तो सबसे पहला छुट्टी आपका है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, दिन सोमवार, एक दिन छुट्टी आपको इसमें मिलेगा। अगला है दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में आपको टोटल 4 दिन का छुट्टी मिलने वाला है, 21 से लेके 25 तक, बीच में एक दिन रविवार है, टोटल हो गए आपके 5 दिन का छुट्टी। नेक्स्ट अगर बात कर ले नवंबर मंथ की, तो नवंबर मंथ में आपको टोटल 12 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, जो कि दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, सारे इसी में शामिल है। 10 नवंबर से 23 नवंबर तक आपका छुट्टी होने वाला है, 10 दिन आपका छुट्टी हो गया, 2 दिन रविवार है, ठीक है, तो हो गए टोटल 12 दिन। अगला बात कर ले गुरु नानक जयंती, तो 27 नवंबर को ये है, सोमवार दिन, एक दिन की छुट्टी आपको इसमें भी मिलेगा। अगला छुट्टी है दिसंबर मंथ का, जो कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, टोटल 6 दिन का छुट्टी। अभी भी आपको पता है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टी आपके कॉलेजों में दिया गया है, ठीक है, तो 5 दिन का छुट्टी, सॉरी 6 दिन का छुट्टी आपको मिलेगा दिसंबर में, 25 से लेके 30 दिसंबर तक। यहाँ पे टोटल छुट्टियों का लिस्ट दिया गया है, कितना दिन आपका एग्जाम चलेगा, कितना दिन आपका क्लास चलेगा, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल आपके 71 दिन का छुट्टी हो गया, 71, टोटल रविवार हो गए 53, परीक्षा यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 दिन, क्योंकि 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, तो 15 15 दिन, यानी एक सेमेस्टर 15, दूसरा सेमेस्टर 15, तो परीक्षा दिवस हो गया 30 आपका, ठीक है, भ्रमण दिवस घूमने फिरने का, गर्मी का छुट्टी का, यहाँ पे आप मान लीजिए 30 दिन। टोटल यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये बताया, ये आपका छुट्टी रविवार, परीक्षा दिवस और साथ में गर्मी की छुट्टी के बारे में बताया। अब बात है कितना दिन आपका क्लास चलने वाला है, टोटल क्लास आपका चलेगा 181 दिन, यानी 181 दिन आपका कॉलेज खुला है, आपको कॉलेज जाना है, इसी में आपका 75% अटेंडेंस काउंट होगा, ठीक है। अगर हम 365 में यहाँ पे घटाते हैं 181, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना दिन हमारा छुट्टी कॉलेजों में रहने वाला है, ठीक है, तो आपके कॉलेज में छुट्टी होने वाला है आपका 184 दिन, ठीक है, 181 दिन आपका क्लास चलेगा और 184 दिन आपका छुट्टी रहने वाला है, यानी कि क्लासेस से ज्यादा आपका छुट्टी रहने वाला है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।